इन चार वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के माध्यम से जनसाधारण का राजनीतिज्ञों के प्रति, राजनेताओं के प्रति और सरकार के प्रति पुनः विश्वास, विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी बहाल हुई है। ये किसी भी प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये सरकार में वो क्षमता पैदा करती है कि वो जनहित के कड़े से कड़े फैसले, कभी कभी क्रांतिकारी फैसले भी ले सके। उदाहरण के तौर पर जैसे नोटबंदी को लेकर के था, जैसे जीएसटी को लेकर के था, इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, ये संपन्न नहीं हो पा रहा था। और नोटबंदी को लेकर के भी आरंभिक दिनों में भले ही कुछ परेशानियां भी नहीं लोगों को, लेकिन ऐसे लोग भी देहात में रहने वाले, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, जो अर्थशास्त्र का अर्थ नहीं जानते, लेकिन इतना जानते थे कि यदि मोदी जी ने कोई निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं उसका, उनका हित जोड़ा हुआ है, उनके बच्चों का हित जोड़ा हुआ है। ये विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यदि आप ऐसे बात करें तो मुझे लगता है कि चार वर्षों में यदि आप श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ देखें, एक के बाद एक जितने भी निर्णय हुए हैं उनके पीछे एक ही प्रेरणा रही है कि आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक प्रजातांत्रिक लाभ पहुंच पाए, जो वंचित रह गए, जो पीड़ित हैं, जो कहीं ना कहीं देश की प्रगति की यात्रा में पूरी तरह प्राथमिकता में नहीं रहे पिछली सरकारों के। और अद्भुत योजनाएं जैसे जनधन योजना, और साथ ही साथ ये भी बात जोड़ दूं, इससे पहले कि पूर्वोत्तर का आपने उल्लेख किया तो चलिए उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी जोड़ दूं कि इन सुधारों का उल्लेख तो हुआ होगा प्रत्येक सत्र में, लेकिन ये मात्र आर्थिक सुधार है ऐसा नहीं है, ये केवल रिफॉर्म्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा भी नहीं, ये मात्र इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऐसा भी नहीं, ये समाज एक व्यवहार को बदलने वाले सोशल रिफॉर्म्स है। आप जनधन को देख लीजिए, ये एक कार्यक्रम आरंभ हुआ था कि बिना पैसे जमा कराए हुए खाते खोलने का, आज लगभग 30-32 करोड़ खाते खुल गए, लेकिन कभी हमने अपने आप से ये पूछा कि भले इन खातों में 65-66 हजार करोड़ रुपया कहां से आया, क्योंकि ये तो कभी शर्त थी नहीं कि इसमें पैसे जमा कराने, लेकिन हुआ यो कि जब भी ये बैंक मित्र जाता था किसी घर में और कहता था कि साहब मोदी जी का ये निर्देश है, आपका बिना पैसे जमा कराए हुए आपका खाता खोलना था, तो एक आम देशवासी, एक आम नागरिक का भी स्वाभिमान जागता था, वो कहता है ठीक है मोदी जी ने इतनी मेहरबानी की तो मैं कौन सा कम हूं, 500 रुपए मैं भी जमा करा दूंगा। और नतीजा ये हुआ कि देखते देखते इतना खाते बढ़ गए, जीएसटी के माध्यम से कितना हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, लगभग 80% इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या में वृद्धि हुई। वो स्वभाव जाता रहा क्योंकि इनसिक्योरिटी का की एक मानसिकता थी, कहीं तकिए के नीचे छुपा दो, कहीं चद्दर में बैठ के गांठ लगा के छुपा दो पैसा, कहीं बाथरूम की टाइल के नीचे लगा दो, कहीं हेल्थ क्लब के लॉकर में डाल दो। तो ये बहुत बड़ा एक व्यवहारिक परिवर्तन है, क्योंकि यदि ग्लोबल वर्ल्ड का हमें हिस्सा बनना है, और इसलिए एक वाक्य में मैं ये कहूंगा कि इन चार वर्षों का या इन 48 महीनों का, इनकी आप तुलना करें 48 वर्षों के उस वंशवाद के प्रजातंत्र से, जब पैदा होने से पहले ही यह तय हो जाता था कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, जो पैदा होने वाला यही होगा। आज रेल की पटरी से अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ किया हुआ एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री है जी। तो ये एक वास्तविक प्रजातंत्र इस एस्पिरेशनल इंडिया में, जहां 70% से अधिक 40 वर्ष से कम अवस्था के लोग हैं, उनमें प्रजातंत्र का एहसास और उसके साथ आइडेंटिफाई करवाने का काम इन चार या इन 48 महीनों में हुआ है, जो 48 वर्षों तक नहीं हो पाया।